त्यौहार के मौसम में आपको रसोई गैस के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। पिछले एक सप्ताह में जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, वहीं रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ सकते हैं। कीमतें 1000 का आंकड़ा पार कर सकती हैं। वैसे 18 दिन से स्थिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज बदलाव से इसकी शुरुआत भी हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का रुझान जारी रहता है तो इसका असर तेल की कीमतों पर होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। अमेरिका के तेल भंडार के 3 वर्षों के निचले स्तर पर आने और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी आई है। इसके बाद गुरुवार को ब्रेंट क्रूड $1 चढ़कर $77 प्रति बैरल पर पहुंच गया। कच्चा तेल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत बढ़ती है तो रसोई गैस भी महंगी हो सकती है। इसके साथ सरकार रसोई गैस सब्सिडी को भी पूरी तरह खत्म कर सकती है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सब्सिडी सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही दी जा सकती है। वहीं सरकार के आंतरिक सर्वे में यह भी बात मानी गई है कि उपभोक्ता 1000 का सिलेंडर खरीद सकते हैं। मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है, पर जल्द ही सरकार इन बारे में कोई निर्णय कर सकती है। इस साल 1 जनवरी के बाद राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 190.50 रुपये बढ़ी है, जबकि पिछले साल से कीमत दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है। इस वक्त देश के चुनिंदा राज्यों में उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। इनमें लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्व के राज्य और कुछ राज्यों के पिछड़े क्षेत्र शामिल हैं। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV।